हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय अदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज दोबारा से खेलने जा रहे हैं हम लोग जोजो चास। तो यार चीज जिसने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखे ऊपर आई अगर में फ्लैश हुई है तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो वीडियो शुरू होने से पहले चीज जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब एक साथ मिल के सब्सक्राइब कर दो गाइस। तो अब बिना कोई देरी के हम लोग गेम शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग ठीक केव के बाहर है और ये केव में हमें जाना है। वो चार्ल्स का एग ठीक इसी केव में रखा है और हमारे पास चाबी थी, हमने खोल लिया था क्योंकि हमने जहाँ गए थे वहाँ से हम चाबी लेकर आए थे। और फिलहाल अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, आप लोग आवाज़ सुन सकते थे, अभी ट्रेन की आवाज़ आ रही है। मतलब वो चार्ल्स अभी कहीं बाहरी घूम रही है, पागलों जैसा मुझे ढूंढ रही है। तो फिलहाल अभी अंदर और मैं धीरे धीरे जाते रहता हूँ। भाई अंदर बहुत खतरा है क्योंकि इधर जो एग है ना वो चार्ल्स का एग है और इधर सिक्योरिटी एकदम पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई है। सो गाइस, अभी एक सिक्योरिटी गार्ड यानी कि वो चार्ल्स के लिए जो काम करते हैं वो लोग मेरे ठीक एकदम सामने थे और वो घूम ही रहा था सीटी बजाते हुए। बट अचानक से आवाज़ बंद हो गई है और एक मिनट मुझे फिर से उसकी गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है। वो मेरे को लग रहा है यहीं कहीं आस पास है, मुझे आगे जाते हुए बहुत डर लग रहा है। ओ शिट, देख लिया गया मेरे को। ओके भाई, इसने मेरे को प्रॉपर देख लिया, सीधा मेरे पे भाग गया, पीछे से मारेगा। अरे मैं फंस गया, मैं कहाँ आ गया, मैं अबे रास्ता कहाँ है, मेरे को निकलना है जल्दी। और बंदूक मार देगा नहीं तो मैं यहीं पर डाउन हो जाऊँगा। भागो। ओ शिट भाई, मारा। जल्दी। किधर जाओ। ओके, ये लीवर मिला, चल निकल। अब मार के दिखा। तो हम नीचे तो आ गए हैं बड़े अच्छे से। वो नीचे तो नहीं आ रहा है, नहीं वो इतनी हाइटेड है ऊपर से नीचे नहीं आ पाएगा। तो फिलहाल आजू बाजू देखो आप लोग गाइस, अंडरग्राउंड सुरंग बना रखा है भाई, एकदम भारी सिक्योरिटी करके रखी है पूरा। भाई वो चार्ल्स का अंडा क्योंकि इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लोग एकदम भारी वाला प्रोडक्शन कर रहे हैं और ऑर्डर इनको ऐसा दिया गया है कि जो दिखे उसको सीधा मार दो। सो वही हो रहा है गाइस। इधर अभी सामने से आया, ओए देख तो नहीं लिया वो, भाई मुझे लगा मुझे देख लिया। तो अभी मुझे धीरे धीरे आगे जाना चाहिए, वो अभी वहाँ जा रहा है तो इसके पीछे पीछे जाता हूँ और फिर मैं निकल जाऊँगा। अबे कैसे देखा, भागो भाई, इसने मेरे को कैसे देख लिया उधर से मुझे पता नहीं। और ये रहा एग्स, ओके तो हमें एग मिल चुका है, भागो अब मिल गया। अब मैं नहीं रुकने वाला, अब मैं एकदम तेज भागूंगा, अब सीधा बाहर निकलूंगा भाई। ओ खजाना मिला। अभी नहीं, अबे कैसे भाई पीछे आ रहा है, मैं कितना बड़ा लालची हूँ यार, अभी इसके खजाने के चक्कर में मैं मर जाता, मैं भूल ही गया था पीछे बंदा है मेरे। ओके सीधा उसके मुंह पे उतरे, भागो भाई, कितना सिक्योरिटी इन लोगों ने करके रखा है इधर। अबे मेरी ट्रेन कहाँ है, भागो। दो गोली मार चुका मेरे को, मेरी हेल्थ एकदम कम हो रही धीरे धीरे। भाई मेरी ट्रेन किधर है, अबे मैंने यहीं कहीं खड़ी किया था। ओके तो वो रही ट्रेन मेरी, अबे भाई अंधेरे में मेरे को दिख भी नहीं रही सी। ओके पीछे एकदम भागते हुए आ रहा है, अगर मैं जरा सा भी रुका ना तो मेरा तो आज इन लोगों ने भर्ता बना देना है। तो मैं जल्दी ट्रेन में बैठ जाता हूँ भाई और फिर बताता हूँ इनको, मेरे को एक बार ट्रेन में बैठ जाने दो। चलो अब बता दो इनको, अब बता दो। रॉकेट लॉन्चर पकड़ लिया मैंने फुल एकदम कंट्रोल में। अब आ जाओ। अबे अब आ क्यों नहीं रहे भाई, क्या हो गया इन लोगों को। ट्रेन एक बारी पीछे लेके जाता हूँ, कहाँ चले गए इन लोग। अबे इतनी प्यारी से पोजीशन लेके बैठा था मैं, अभी लोग आए नहीं, इधर गए। ओके देखो वो जा रहे हैं, चल भाई मेरी ट्रेन के नीचे आ गया, मुझे रॉकेट लॉन्चर यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तू भी बनेगा। चल सो इन दोनों का हमने बिना बंदूक चलाई भरता बना डाला। भाई क्या है, हमारी ट्रेन है भाई, क्या टॉय वॉय समझो क्या, सामने आ रहे हो और क्या सोच रहे हो, मार दोगे गोली से यार। खाली इनको मारना आता है, अकल तो घुटने में इनके। तो फिलहाल अभी मैं मार्क कर लेता हूँ, मुझे जाना का है ये मॉब कैंप वाली जगह जाना है मुझे। यहाँ से कुछ तो वेपन का टुकड़ा है वो लेके आना है
ओके तो पहले मैं यहाँ का क्लियर कर लेता हूँ, फिर बाद में हम जाएंगे फाइनल वाली जगह। तो फिलहाल अभी हम पूरा ना मैप ये देख सकते हो, ये हमारी फाइनल जगह जहाँ पे हमारी और चार्ल्स की फाइनल फाइट होगी। तो अभी हमें पहले उधर नहीं जाना है, पहले तो इधर से फुल तैयारी कर लेना है, हमारी ट्रेन एकदम अपग्रेड कर लेना है, फिर जाना है। तो भाई मैं अभी एकदम पीछे जाऊँगा, रुकूँगा नहीं। और आप लोग देख सकते हो आवाज़ ही क्या डरावनी हवा चल रही है अभी। तो अभी मौसम तो एकदम धुंधला धुंधला हो रखा है भाई, पूरा धुआं धुआं, सही से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। ओए मेरे को लीवर खींचना था, रुक जा, चल आगे। मैं ट्रेन रोक लेता हूँ, नहीं तो चलती ट्रेन में लीवर खींचना बहुत मुश्किल होता है। अबे भाई रुक जा, मेरे को नहीं कुचल देना भाई। पीछे ले लेता हूँ थोड़ा, अब जाना है हमें लेफ्ट और सीधा आगे बढ़ो, लेट्स गो। एक मिनट, ये जगह देख के तो मुझे लग रहा है कि मैं आ चुका हूँ इधर। ओए इधर मैं आ चुका हूँ, जस्ट इधर से ही तो मैं होते हुए गया हूँ। और इधर कुछ मैंने मिस किया है, इधर से मुझे कुछ वेपन का टुकड़ा उठाना था या वेपन उठाना था, जो कि मैं मेन काम के लिए आया था, वो तो मैंने किया ही नहीं। बस इधर से मैंने चाबी उठाया और चाबी उठा के चला गया उसका एग लेने। तो ये देखो गाइस, ये सब जगह हम आ चुके हैं। तो यहाँ दरवाजे वगैरह सब खुले, मतलब मैं ये जगह जा चुका हूँ। और कौन सी जगह बाकी रहेगी यार, इधर ऊपर भी मैं जा चुका हूँ, ऊपर से मैं देख लेता हूँ एक बारी, कुछ रह तो नहीं गया यहाँ से, कोई सीक्रेट जगह तो नहीं है। तो फिलहाल अभी नहीं, ये लेटर नहीं पढ़ना भाई, ये सब मैं पढ़ चुका हूँ, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। और ये वाला घर में भी जाके मैं देख चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो दरवाज़ा वगैरह सब खुले हैं। तो अंदर भी मेरे ख्याल से कुछ नहीं छोड़ा हूँ मैंने, मतलब मैं आके जा चुका हूँ यार। इधर कहाँ है वो वेपन यार, वेपन नहीं मिल रहा है मुझे, जो वेपन मैं लेने आया था। इधर भी नहीं है या ये क्या है भाई, ज़मीन में कहीं घास होगी है, कहीं नहीं होगी है, कहीं जली हुई ज़मीन है। पूरे मतलब जो आइलैंड पे हम लोग हैं ना, पूरे आइलैंड की एकदम वाट लगी पड़ी है सब चार्ल्स की वजह से। तो ये चार्ल्स का तो हम एकदम अभी गेम प्रॉपर फिनिश करने वाले, बस एक बारी मैं प्रॉपर रेडी हो जाऊँ सो डू एंड डाई वाली बात होगी हमारी। और पहले तो मैं वेपन देख लूँ यार, मैं अभी बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि मैंने लिटरली सारे जगह मैंने देख लिया है, वेपन मुझे मिला नहीं है, और कुछ तो छूट रहा है जो मैं नहीं देखा हूँ। एक मिनट, यहाँ पे मैं देखा हूँ, हाँ ये भी। अबे भाई ज़्यादा ही जोश जोश में भाग के मैं टर्न ले लिया, बैलेंस इधर हो गया और नीचे गिर गया ज़बरदस्ती का। सो फिलहाल अभी यहाँ पर भी कुछ नहीं है, से भी मुझे कुछ खास दिख रहा नहीं है। और जगह यही है जहां हमें लेना है वेरन बॉब स्टोल पीसेस ऑफ न्यू वेपन। सो कुछ तो उसने ना वेपन का पीस है जो इधर यहां पे रखा हुआ है, हमें वो चुराना है। बट चुराने के लिए हम इधर आए तो थे बंदे मारे, बट अभी वेपन किधर है यार, वेपन नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा। फिलहाल अभी मैं यहाँ वहाँ थोड़ा नीचे भी देखते हुए चल रहा हूँ, स्क्रैप्स मिल रहा तो वो उठा ले रहा हूँ, क्योंकि अभी स्क्रैप्स भी बहुत ज़रूरी हो गया है मुझे। इधर ऊपर तो नहीं है, लेकिन ऊपर मेरे ख्याल से नहीं रहेगा क्योंकि इधर एक ही घर है और वो रहा, और बाकी सब तो इधर पत्थरी और जंगल है और कुछ नहीं है, दूर दूर तक बंजर ज़मीन है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने देख चुका है, और यहाँ पे भी नहीं है। अबे यार यहाँ पे मैं अभी जस्ट आया, ये मैं घूम फिर के बार बार वहीं पे ही आ रहा हूँ, कहीं तो रखा है। एक मिनट, कहीं नीचे तो नहीं है, मैं ज़बरदस्ती को ऊपर देख रहा हूँ, एक बार ही नीचे चेक कर लेता हूँ मैं। हो सकता है मैं जो चीज़ उतनी देर से ऊपर ढूंढ रहा हूँ वो चीज़ नीचे हो और पचका हो जाए, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा। मेरे को पूरा नीचे अच्छे से ढूँढना पड़ेगा, क्योंकि जो वेपन है ना वो स्टोल करना है, मतलब कहीं सेफ ये लोग रखे होंगे छुपा के। ओके तो ये दरवाज़ा क्या है, ओ यहाँ पे तो मैं आया ही नहीं था। ओके गाइस, हमें एक स्क्रैप मिल चुका है और ये वेपन मिल चुके हैं हमें, और लेकिन ये हमारे वेपन नहीं है,
ये इन लोगों के वेपन है, ये मॉन्स्टर्स लोगों के वेपन है जो चार्ल्स के लिए काम करते हैं, जो चार्ल्स की सिक्योरिटी करते हैं। सो और इन लोगों के आप लोग खाली मार्क्स देखो गाइस, क्या ही डरावने मार्क्स हो रखे। तो ऊपर वगैरह तो अभी फिर कुछ नहीं है भाई, मेरा दिमाग सनक रहा है, मेरे को वेपन नहीं मिल रहा है। जहाँ आए हुए हैं पूरा तो मैंने ढूंढ डाला यार, वेपन का मुझे कोई नामो निशान ही नहीं मिला। मेरे ख्याल से वेपन जो होगा वो मे भी नीचे होगा। मैं एक बारी नीचे पूरा ना अभी अच्छे से घर चेक कर लेता हूँ, अभी प्रॉपर मैं घर चेक करूँगा, अभी मैं यहाँ वहाँ ऊपर नहीं जाएगा बस। ओके, ये घर का दरवाज़ा भी आप लोग देख सकते हो कि बंद है और मैंने इसे चेक नहीं किया है, देख सकते हो। ओ मेरे को अंदर आते साथ मुझे एक स्क्रैप मिला, दो स्क्रैप मिला, क्या बात है। और ये रहा गाइस जिसकी हमें तलाश थी कब से भाई, ये गया दूसरा पार्ट, ये गया दूसरा। अभी ये कौन सा वेपन है, इक्विप इट इन योर ट्रेन। ओके, तो अभी जल्दी से ट्रेन में जाके देखते हैं यार ये कैसा वेपन मिला है हमें, बिकॉज मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था। दो कुछ स्टील का पाइप रखा था वो लगा दिया उसने भाई। एक सेकंड पहले मैं ना, एक मिनट, वेपन क्या है। ओके, ये देख सकते हो गाइस आप लोग, ये देखो भाई क्या ही कितनी लंबी सी गन है भाई ये वाली। ओके, तो ये ऑटोमेटिक नहीं चलती है, ऐसा बस बस ही चलती है, एक एक टैप टैप फायर दे रही है। बट मेरे को लग रहा है ये बहुत पावरफुल गन है और एक साथ दो गोली भी जो निकल रही है भाई, मस्त गन मिल गई ली यार हमें। तो अभी हमारे पास दो भारी भारी गन हो गई है, एक ये वाली गन हो गई है, एक रॉकेट लॉन्चर हो गई है और एक मूंगफली की गोली हो गई है, यानी वो ऑटोमेटिक मशीन गन हो गई है, क्या ही बोलूँ उसको। अभी थोड़ी चलती नहीं, इतनी सी गर्म हो जाती है। तो फिलहाल गाइस अभी हमें वेपन मिल चुका है और अभी हमें जाना है यहाँ पे, जैसे कि मैं अभी चेक कर लेता हूँ पहले। हाँ, तो अभी हमें जाना है यहाँ पे कुछ, ताकि हमें स्क्रैप्स वगैरह मिल जाए, क्योंकि ये जो येल्लो येल्लो मार्क होता है ना, यहाँ पे हमें कुछ बिजनेस डील्स वगैरह करते हैं और इसके बदले ये लोग हमें स्क्रैप देते हैं, यानी कुछ हमसे काम करवाएंगे और हमें कुछ स्क्रैप देंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं डायरेक्ट जहाँ चाल से वहाँ जाऊँ और उससे लड़ूँ जाके बिना कोई तैयारी के। तो यार पहले तैयारी तो बनती है, तो जल्दी जल्दी पीछे जाते हैं भाई। अभी तो मुझे चाल का टेंशन है, रुक 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 रुक, कुछ तो दिखा मुझे, आगे चला आगे चला। ओ भाई खजाने की पेटी है ये, देखो गाइस रास्ते में पड़ी हुई खजाने की पेटी मिली मुझे भाई, खोलो इसको जल्दी अंदर क्या है। ओके, ये हमारे लिए सही में एक ट्रू ट्रेजर है गाइस, बिकॉज हमें ये स्क्रैप्स की बहुत ज़रूरत है, पैसे से ज़्यादा स्क्रैप की ज़रूरत है। सो स्क्रैप मिल गया, आप लोग को दिखा देता हूँ कितना स्क्रैप मिला अभी हमारे पास, कुछ दो या एक स्क्रैप था, अभी 12 स्क्रैप हो गए, लेट्स गो। अभी भी कुछ अपग्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देख सकते हो जो स्क्रैप्स मांग रहा है उधर 23 26 ऐसे ऐसा स्क्रैप मांग रहा है और हमारे पास 12 स्क्रैप में क्या ही होगा। तो अभी जल्दी जल्दी मेरे को जाना है लेफ्ट और मैं आ गया हूँ, एक मिनट मैं इसको पहले सही कर लूँ। अबे नहीं, मेरे को लेफ्ट नहीं जाना है, रुक, मैं इसको उतर के ही सही करना पड़ेगा क्या भाई, ऐसे ऐसे ना ये बहुत डेंजरस है ऐसे ऐसे रास्ते में करना, क्योंकि चार्ल्स ऐसे में कभी भी आ सकती है, बहुत ओपन एरिया है और अगर आ गई तो हम ऐसे ही करते करते मारे गए, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है, मैं जब भी करता हूँ मुझे डर लगता है। तो फिलहाल अभी पीछे ले लेते हैं और जाना है हमें राइट, तो भाई मुड़ जा राइट रेड स्को। तो अभी यहां से हम लोग सीधा जाएंगे और ओ शिट, स्क्रैप दिखा था मुझे बट कोई ना, क्योंकि अभी चलती ट्रेन में अभी क्या ही रुकूँ एक स्क्रैप के लिए, छोड़ो अभी। तो जल्दी जल्दी जाता हूँ मैं अपने मार्क पे और देखता हूँ कि क्या बिजनेस जीत देता है और उसके बदले ये स्क्रैप मुझे देता है कि नहीं, क्योंकि अभी जो मुझे स्क्रैप की ज़रूरत है उससे मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊँगा और आर्मर लेवल और डैमेज लेवल भी बढ़ा लूँगा। ओके, तो एक मिनट, मैं ज़्यादा आगे आ गया, ओह आगे आना मेरा फ़ायदेमंद रहा यार, एक और ख़जाना मिल गया। ओ भाई कूद जाओ अंदर भाई, ले लो भाई, फ्री का मिला भाई, लालची तो है भाई, चलो अभी किस्मत देखो हमारी, ख़जाना कैसा मिला, सबसे उठा लिया हम लोग ने। तो फिलहाल अभी मैं जल्दी से पीछे ले लेता हूँ अपनी ट्रेन और यहाँ से अब मुझे जाना है पहले।
भाई ट्रेन यहीं रुक जाओ, अभी हम जाते हैं पैदल और देखते हैं क्या डील देता है हमें वो और कितने स्क्वैप्स देता है। लेट्स गो भाई। इधर से पूल वूल भाई बने हुए पूरे एकदम, मतलब यहाँ पहले इससे पता चलता है लोग रहते थे जो कि अभी नहीं रहते हैं और चार्ल्स के डर की वजह से, तो बहुत ही एकदम सुनसान हो गया एरिया। और ये रहा घर, एक मिनट, ये घर नहीं है गाइस, ये तो बेस है वही शैतान लोग का, आई मीन वो जो चार्ल्स के लिए काम करते वो लोग का। इधर एक आदमी खड़ा है भाई, आजू बाजू फील्डिंग तो नहीं बिछा के रखा ना इसने, मुझे एकदम सोच समझ के जाना पड़ेगा। ओए इधर अकेले में क्या कर रहा है खड़े होके भाई, पागल हो गया तू, बात करके देखो। Hey, aren't you the new guy who's come here to work for us? You must be. There's something at the top of these towers that I need. And don't worry, I won't make you work for free. I'm a nice enough guy to pay you. इसे हमारी मजबूरी पता है। Mr. Warren never told anyone from the mainland about his mining operation. इसे पता है हमें क्या चाहिए। He never even reported the cave-in. He hasn't paid us since then. Our living quarters are atrocious, and I'm far overqualified for the pay I'm supposed to receive. To top it all off, none of us miners ever received copies of our paperwork. But that doesn't affect my subordinates as much as someone with my status. I'm gonna sue the pants off of Warren once I escape this island, and I need those files to prove that he breached our contract. He keeps all his files at the top of these towers. I could explain how I ascertained this, but I doubt it would make sense to you. Problem is, he erected these towers years before we ever started mining, and now they're falling apart. I could scale them myself, but since you're here, go sniff around for those files. As a reward, you can have one of my useless pieces of scrap. I bet you'd love to have it. तो ये मोटे को हमारी नीडेड रिक्वायरमेंट कहते हैं, जिसे वो पता है इसको कि हमें स्क्रैप चाहिए, पैसे से ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट स्क्रैप्स है। तो अभी ये टावर देख सकते हो गाइस, ये मैं एक बारी खोल के बार बार मार्क कर लेता हूँ। हाँ सो यही टावर है, ये टावर में हमें एकदम ऊपर जाना है और इसकी कोई फाइल्स है जो लेकर आना है, जो कि ये वॉरन के अगेंस्ट यूज़ करेगा। वॉरन ने इसको पैसा नहीं दिया है, पता नहीं क्या किया है। ओ एक मिनट, ये वही चार्ल्स की आवाज़ है भाई, ये ट्रेन आसपास है मुझे लग रहा है आवाज़, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की आई है कान में। मैं दरवाज़ा खोल लेता हूँ भाई, जैसी आएगी मैं अंदर चले जाऊँगा, सही मजाक नहीं कर रहा हूँ। बहुत जोरों की आवाज़ आई थी भाई, भाई सही में यार मैं एकदम डर गया। और ये देखो कैसा खड़ा है भाई वहाँ पे, भाई ये तो ओपन खड़ा है, इसको तो पहला शिकार करेगी ये। यही कहीं से आवाज़ आई थी, अब बारिश भी होना शुरू हो गई है, मौसम बिगड़ गया है भाई, कुछ सही नहीं लग रहा मुझे अभी यहाँ पे। ओ शिट भाई, ये मौत के आने के पहले की शांति मैं बता रहा हूँ। तो भाई अभी एक काम करता हूँ मैं, अब यहाँ से ना मुझे इसकी फाइल लेने जाना पड़ेगा। पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस ये टावर पे जाके खुद फाइल क्यों नहीं ले सकता, हमें क्यों भेज रहा है, तो ये पता करेंगे गाइस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो यार अभी के लिए मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगर आप लोग को ये वाली वीडियो मेरी पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हम इसी तरह की गेम प्लेस की वीडियोस डालते रहते हैं अपने चैनल पे। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।